हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम अस्तर वाला सादा ब्लाउज बनाने वाले हैं। इसमें आपको सिखाने वाले हैं कि इस तरह के जो कपड़े होते हैं उसमें आपको अस्तर किस तरीके से ब्लाउज में लगाना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बैक साइड में अस्तर लगाएंगे, ठीक है। आपको सबसे पहले इसको इस तरीके से, ये हमारा उल्टा साइड हो गया, चौक के निशान को आपको अस्तर वाले पे, इस निशान को आपको ऊपर रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, चारों तरफ से बराबर कर लेना है। इस तरीके से चारों तरफ आपको देख लेना है सही से, उसके बाद ही सिलाई लगाना है। एक एक चीज आपको इसमें वीडियो में डिटेल से बताऊंगा, बस वीडियो में बने रहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिलाई यहाँ से शुरू करना है और आपको ज़्यादा चौड़ा नहीं, आप चाहे तो यहाँ पे सिलाई कच्चा सिलाई भी लगा सकते हैं। इस तरीके से आपको सिलाई लगाना है। आपको क्या करना है, थोड़ा सिलाई लगाना है और आपको चारों तरफ देखना है एक बार सिलाई लगाने से पहले कि आपका कहीं अस्तर बाहर ना निकल जाए कपड़े से, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपको लगाना है। अगर आपको सही काम करना है इस तरीके से आपको देख लेना है चारों तरफ। क्योंकि अगर आपका अस्तर ही गलत लगेगा तो उसमें कपड़े कहीं में इकट्ठा जैसा दिखने लगता है, ब्लाउज पहनने के बाद वो बेकार लगता है, ठीक है। तो अस्तर को सही तरीके से लगाना है आपको, चाहे आपको 10 मिनट ज़्यादा लग जाए। जब आप साइड का सिलाई लगाए तो आपको इधर भी देख लेना है एक बार कि ये बाहर तो नहीं निकल रहा है, ठीक है। आपको दोनों तरफ एडजस्ट कर लेना है सही तरीके से। आपको अस्तर से कपड़े को थोड़ा ज़्यादा बढ़ाकर ही काटना है, ठीक है, जिससे आप जब अस्तर को लगाए इसमें दिक्कत ना हो आपको। जब नीचे वाला लगाए तो आप इस तरीके से एक बार हाथ को इस तरीके से रखें, ऐसे आपको हाथ रखना है, ऐसे लगाना है। इस वीडियो में आपको बस अस्तर कैसे लगाया वो चीज़ आपको सिखाने वाले हैं। इस तरीके से आपको देख लेना तो जो है हमारा पीछे बैक साइड में अस्तर लग चुका है, ठीक है। अब इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है, कहीं पे कोई सलवट नहीं है। अब इधर भी देख सकते हो, इधर, ठीक है, कहीं पे कोई इस तरीके से फुला हुआ नहीं है, ठीक है। क्या होता है कि इस तरीके से यहाँ एक खुब्बा जैसा बन जाता है, ठीक है। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, आपको अस्तर ब्लाउज में आपको अस्तर सही तरीके से लगाना है। अरे कि परफेक्ट आप काम करना चाहते हो तो, ठीक है। अब हम सामने की तरफ चलते हैं, पीछे का हमारा हो गया, सामने का हिस्सा हो गया, ठीक है। जैसा हमारे यहाँ पर निशान है, पहले आपको इस निशान को थोड़ा सा डार्क कर लेना है इस तरीके से, उसके बाद इसको पलट के दूसरे साइड में भी निशान लगा लेना है। ये काम आपको सिलाई लगाने से पहले कर लेना है, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। इस आपको सही तरीके से इसको बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद आपको इस तरीके से थोड़ा सा इसको फैलाना है और सारे निशान पे थोड़ा सा इस तरीके से डार्क मार्क कर लेना है।
पहले आपको इस तरीके से सेल लगाने से पहले इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है, जैसे जिस तरीके से इस साइड में है उस तरीके से आपको इस साइड में भी निशान लगाना है, ठीक है। उसका दिया हमारा उल्टा साइड है, इसको कपड़े को फैलाना है। इसमें क्या करना है, हमारा ये दो टुकड़ा होता है सामने लेके जाऊँ, अस्तर लगाने के बाद इसमें दो टुकड़े करेंगे इसको। पहले आप देख लो वीडियो को, इसको क्या करना है पहले सही तरीके से, आप चाहे तो इसको दो हिस्सा करके भी लगा सकते हो, ठीक है, आपको जिस तरीके से सही लगेगा आप इस तरीके से कर सकते हो। आपको चारों तरफ पहले कपड़े को देखना है, ये बाहर तो नहीं निकल रहा है इस तरह हमारा, ठीक है। उसके बाद ही तो ये हमें गले से शुरुआत करना है, इसमें आपको नज़र चारों तरफ रखना है कि कपड़ा बाहर तो नहीं निकल जा रहा है। तो हमारा अस्तर में चारों तरफ से सिलाई लगा लग चुका है। इसके बाद आपको और एक काम क्या करना है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ठीक है, तो इसमें से आपको एक सिलाई इस तरफ लगाना है। आप ऐसे दोनों तरफ से एक सिलाई लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, बीच में से आपको कट कर लेना है, लेकिन अभी हम इसमें कट नहीं करेंगे। इसमें और हमारा और काम जो मेन काम है वो क्या है वो देखिए, ठीक है, इसमें आपको समझाता हूँ। जैसे ये हमारा मार्क करा हुआ निशान लगा हुआ है, इस निशान पे आपको चारों निशान में सिलाई लगाना है। इससे क्या होगा, जब आप इसमें इस तरीके से प्लेट डालोगे, ठीक है, तो क्या होगा कि ये अस्तर नीचे की तरफ निकल जाता है, ठीक है, तो ये दिखने में थोड़ा सा बेकार लगता है। तो आपको क्या करना है, इसमें एक एक सिलाई लगाना है। अब देखिए किस तरीके से सिलाई लगाना है। यहाँ पे सही तरीके से टाका लगाना है और यहाँ से इसको निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको लगाना है, इसको हम यहाँ से पूरा ऐसे लगा लेंगे और यहाँ से हमारा
दोनों तरफ का ये सिलाई लग चुका है। ठीक है, अब इसको क्या करना है आपको, धागे को काट काट कर लेना है। ठीक है, तो आप इधर देख सकते हैं किस तरीके से सिलाई लगा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आपको अस्तर वाले ब्लाउज में सिलाई लगाना है। तो फाइनली हमारा जो है इसमें सिलाई लग चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको आपको कट कर लेना है। ठीक है, इसको आपको विशेष ध्यान रखना है कि अस्तर ना कटे, आपको बस कपड़े को इसके बराबर से काटना है। तो हमारे कट चुका है और आपको इस तरीके से आप सिलाई देख सकते हो बाहर के लिए। ठीक है, किस तरीके से सिलाई लगा हुआ है इसमें, आपको इस तरीके से अस्तर वाले ब्लाउज में सिलाई लगाना है। अब देखते हैं कहीं भी कोई सलबटे नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्लियर ही काम करना है। उसके बाद हम जो बेल्ट है इसमें बेल्ट में कैसे सिलाई लगाना है, बेल्ट में आपको क्या करना है, बेल्ट में आपको करना है एक निशान यहाँ पे लगाना है, एक निशान यहाँ पे लगाना है। ठीक है, और आप चाहे तो इसमें भी लगा सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि हम अस्तर उल्टा लगा देते हैं एक साइड का ही हाथ से, इसलिए आपको इसके विशेष ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, कपड़े को यहाँ पे रखना है, अब नीचे से बढ़ा के रख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारा जो अस्तर कम होता है तब क्या करते हैं अस्तर को कम काट देते हैं, तो इस कपड़े में हमारा जो है नीचे फोल्ड के लिए एक्स्ट्रा जो कपड़ा होता है यहाँ से हमारा निकल जाता है, जोड़ लगाना नहीं पड़ता है। ठीक है, जब अस्तर लगा तो अपने हाथों को हाथ को चालू रखें। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी था, आपको इस तरीके से लगाना है। चलो इस तरीके दूसरा भी लगा लेते हैं। तो आपको इसको बेल्ट को भी आपको कट कर लेना है यहाँ से। इसमें हम क्या करेंगे, इधर बस दोनों तरफ ही इसका बराबर करेंगे, बाकी इधर हम रहने देंगे अभी के लिए। तो जो है कि हमारा ब्लाउज में अस्तर लग चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ब्लाउज में अस्तर लगाना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, और पास में जो बेल लग रहा है तो प्रेस करें।